कर अपना घर में मर जाएगा, कोई भी देखने ना आवे, जो मंत्री बन रहा है सुसरो एक भी ना आओ देखने, जावा डूब डूब कहने क्या करा अब ना, भूखा पिसा पड़ा अपना घर में भाई अपना घर। पार्षद खूब धक्के खाते डोल लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, सड़क पे इतनी गंदगी है, आप ये पानी सूख भी जाए ना उसके बाद भी आना आप, उसमें इतनी पन्नियां, इतनी लैटरिंग वैटरिंग सीवर वीवर सब खुले हुए हैं इस पे, भाई डूब जाएंगे मर जाएंगे और क्या होगी, और नहीं तो ये सब बरस तो कहां मुर्दो कहां फूक जाते, उनको प्रोटीन नहीं है। और लेट ठीक कल हमारा जेठ गुजर गया, हम दाग कित लगाता जाए बरसात बरस जाते तो इतना दिन होगा मंजूर हो, ये क्यों नहीं कर रहा ये काम, की बात है बेटोड़ा डूबिया खड़ा क्या तो रोटी बना लिया क्या तो बांट रांदा है, मोदी फ्री में दे देगो गैस जो कि भाई 1100 मिल रहा है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इतना जल भराव है यहाँ पे, इतना जल भराव है कि हमें एक ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, और मैं अपने कैमरा मैन से बोलूँगा कि जरा आगे की तरफ दिखाए किस तरह से पानी में पूरा ट्रैक्टर डूब रहा है, तो अगर ट्रैक्टर की ये हालत है पानी में जाने की तो आम इंसान कैसे निकलेगा इससे, आखिर क्यों इतना जल भराव भरा हुआ है, क्या वजह है। देखिए आप हमारे कैमरा की नज़र से आप देखिए कि पानी में पूरा ट्रैक्टर डूबता जा रहा है, एक जरा सी भी जगह नहीं है कि पानी में ट्रैक्टर निकल सके सही सलामत। तो आपने देखा इतना पानी भरा हुआ है कि हमें इस क्षेत्र की कवरेज करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब रास्ते हैं, रास्ते होने के बावजूद घोड़ा गाड़ी साधन आने के बावजूद भी हमें अपने वाहन को रोड पे खड़ा करके पैदल घुटनों तक पैर से पैर चढ़ा के ट्रैक्टर के जरिए हमें आना पड़ा कवरेज करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि एक ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़े हमें अपने क्षेत्र के विकास के विकास को दिखाने के लिए। हम शान घाट का दिखाते हैं है? कहाँ पे सब मेरा ना घाट होगी देख रहे हैं। अभी इस समय हम वार्ड 28 के अंदर से होते हुए शवगृह के पास में जा रहे हैं जहाँ पे शवों को जलाया जाता है शवगृह के पास में। तो देखिए उस रास्ते से मैं निकल रहा हूँ, इतना जल भराव है, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखाएं कि कितना जल भराव है, इतना जल भराव है कि पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं है, हमें एक प्लॉट की न्यू पर से जाना पड़ रहा है। ओके तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा हमें दिखाएं कि देखें किस तरीके से हालात हैं, और देखिए हमारे सामने जा रहा है इसका पार्षद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। वर्क ऑर्डर 29/10/2020 को पास हुआ ऑर्डर है, और देख सकते हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना जल भराव है, कितनी गंदगी है, कूड़ा सारा ऊपर रोडों पे भरा हुआ है, आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो कैसे निजात मिलेगा इससे, क्या अभी भी प्रशासन किसी और अनहोनी या किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। देखिए इस क्षेत्र की समस्या को आप देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ कि क्या ज़मीनी स्तर है इस समय, क्या क्षेत्र है, से बाहर बोर्ड लगा होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर कितना विकास हुआ है वो मायने रखता है, लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ विकास का वाह भी नहीं है, वी हटा दिया जाए तो सिर्फ कास्ट ही शब्द एक ऐसा हमारे पास में बचेगा जो सिर्फ सोचने के लिए है, और यहाँ की वार्ड नंबर 28 की जनता सिर्फ कास्ट शब्द को ही रास में लेटती है, लेटने समय सिर्फ सोचती है कि काश ये समस्या दूर हो जाए, अगर कास्ट में वी जुड़ जाता विकास तो कितना अच्छा लगता, लेकिन वी का पता नहीं है, सिर्फ काश ही रह गया है लोगों के पास। कंप्लेंट डाली हुई है उसके बाद भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया अधिकारियों ने, ना कोई सुनवाई ली, और ठेकेदार भी के पास भी कई बार कॉल करी है, फ़ोन किया है लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाता है कि आज करूँगा कल करूँगा, तारीख पे तारीख रख के उन्होंने 2.5 साल निकाल दिया इस, और कल को गांव में इसमें बारिश के मौसम में कोई हादसा हो जाता है, कोई मौत हो जाती है, तो आप देख रहे हो दाह संस्कार कैसे हो, कॉलम गड़े हुए हैं, ऊपर छत नहीं है, जहाँ पे मुर्दे जलते हैं, आप देख लो क्या हालात है शमशान घाट। तो हम लोग वहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाऊंगा कि वो देखिए पिलर्स गड़े हुए हैं, बड़े बड़े पिलर्स गड़े हुए हैं, उसके ऊपर छत नहीं है, ऐसे में अगर
शव को जलाया जाए और बरसात हो जाए तो कैसे सब जलेंगे और वहाँ पे आए हुए लोग कैसे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? विषय ये नहीं है कि ये पानी भरा है, विषय ये है कि आखिर इसका समाधान क्यों नहीं होता। क्षेत्र में सुविधाओं के लिए इंसान परेशान है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। के पूछते हैं कि दादा कैसे जो है निकल रहे हैं और क्या इतनी दिक्कतें होने के बाद भी दादा शमशान घाट की बटन भी डाल दिए लेकिन ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया गया अब तक। सतपति जी बता रहे हैं कि इसकी कंप्लेन भी ठेकेदार को की गई है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। मैंने जयपुर तक इसकी एप्लीकेशन भी दी हुई है अपने लेटर हेड पे, ठीक है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उधर नगर निगम है जो जयपुर में, वहाँ पे भी, अपने बिड्डा ऑफिस में भी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं, ना कोई सुनवाई है और ना ही कोई काम हो रहा है। तो बिल्डर से इस बारे में मुलाकात हुई क्या आपकी? बिल्डर ने से कई बार कॉल फ़ोन पे बात हुई थी कि भाई आज काम को शुरू करूंगा, मतलब तारीख पे तारीख रख रहा है पिछले दो साल से, तो मैं देख रहा हूँ उसको, लेकिन अभी तक काम अपना पेंडिंग ही पड़ा है, ना कोई काम हो रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें, इसमें कोई लोग मतलब अनदेखा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो आप खुद ही। और पार्षद पति महेंद्र सिंह ने भी बताया कि इन्होंने बिल्डर से भी इसके लिए बात करी लेकिन बिल्डर इनका फ़ोन नहीं उठाता और जब बात होती है तो सिर्फ तारीखों का दिलासा ही दिया जाता है। हाँ, सिर्फ तारीख और तारीख के दिलासे से ही आज ढाई साल नगर परिषद को बीत गए। अभी करवाता हूँ मैं, लेकिन कोई कुछ नहीं, सिर्फ दिलासा ही लगा और ढाई साल नगर परिषद को बीत गए, सिर्फ ढाई साल हाथ लगे और विकास का वी गायब होकर सिर्फ काश हाथ लगा। तो आखिर विकास हाथ लगाने के लिए और ढाई साल बचे हुए अच्छे करने के लिए हमें कौन से रास्ते को चुनना पड़ेगा? तो ये हमारी थी रिपोर्ट आज की, कैमरामैन साहिल के साथ अरुण कुमार, 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। हम अब वापस जा रहे हैं उसी जल भराव के रास्ते से जिस रास्ते को हम दिखा रहे थे, सुना रहे थे, बता रहे थे, और अब हम उसी जल भराव के अंदर खड़े हुए हैं और उसी जल भराव से होते हुए जा रहे हैं। देखिए एक बार फिर वापस जाते जाते एक मोटरसाइकिल सवार युवक आ रहा है और उसकी मोटरसाइकिल पानी के अंदर आगे गड्ढा है, रुक गई है, खड़ी हो गई है, जल भराव इतना है। तो देखिए क्या समस्या है, जब मोटरसाइकिल से आने जाने वालों का हाल ये है हाल है, तो हम जैसे पैदल चलने वालों का क्या हाल होगा। और मुझे भी देखिए, मैं पानी में खड़ा हुआ हूँ, इस समय जा रहा हूँ, इसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, लेकिन पानी का माहौल बहुत ही ख़राब है, बहुत ही जल भराव है, और हम वापस चल रहे हैं इसी रास्ते से, पानी के रास्ते आए थे, पानी के रास्ते जा रहे हैं। हम लोग इस समय वार्ड नंबर 28 लंगड़िया भिवाड़ी में आए हुए हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी इस समय मेरे पीछे काफ़ी जल भराव है। जी हाँ, वार्ड नंबर 28 का यही एक ऐसा रास्ता है जो कस्बे के अंदर जाता है वार्ड में, लेकिन इस रास्ते की हालत इतनी दयनीय, इतनी जर्जर, इतनी ख़राब हो चुकी है जल भराव से कि यहाँ से पैदल निकलना तो दूर, यहाँ पे खड़ा होना भी दुश्वार है। हम लोग जब अभी आए तो यहाँ पे हमें आने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस आप हमारे कैमरा की नज़र से देख सकते हैं, वो सामने मेन रोड दिख रही है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक के आने में इतना ज़्यादा समय लगा, कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमारे पास में गाड़ी जो थी वो अंदर नहीं आ सकती थी। पैदल आने की कोशिश करी हमारी टीम ने तो घुटनों तक पानी शुरुआत में ही भरने लगा। तो आप देखिए कि कितना जल भराव है, गंदगी है कितनी है। और मैं किसी तरह ट्रैक्टर के माध्यम से इस वार्ड के अंदर आया हूँ और हमारे साथ में इस समय सभी लोग खड़े हुए हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये समस्या आखिर कब से है और किस तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं, आखिर क्यों इसका निदान नहीं हुआ है। तो हमारे साथ में वार्ड नंबर 28 के सभी ग्रामीण लोग हैं, सभी आम जनता लोग हैं, और इनसे हम पूछते हैं। तो सर क्या समस्या रही है इसको लेके? देखो जी, हमने इस समस्या को जयपुर म्युनिसिपल में भी दिया है, 3-4 बार लिखित एप्लीकेशन भी दी है, भिवाड़ी नगर परिषद सभापति को भी दी है और विधायक साहब को भी हमने रोचक निरीक्षण करवाया है, लेकिन इस क्षेत्र कोई सुनवाई नहीं है। अब तक आप हालात देखेंगे, भिवाड़ी क्षेत्र इस नंगड़िया गाँव के अंदर शमशान घाट में इतनी बुरी हालात हो रही है, नगर परिषद भिवाड़ी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी।
तो जो आज ये बरसात हुई है तो ये जल भराव जो होता है ये मुख्यतः बरसात से ही होता है या जो मुख्य सड़क पर जो नाले का पानी बहता है उससे भी जल भराव की स्थिति बनती है क्या? ये पहले से ही भराव है जी, ये बारिश आने से पहले 3 साल से कंटिन्यू परेशान है। तो बरसात अगर होती है तब जब बहुत बुरी हालत हो जाती है जब तो कंपनी का। तो कैसे आप लोग आते जाते हैं यहाँ से रास्ते से? ये कंपनियों का पानी है और इसमें लैटरिन के सीवर भी खुले रहते हैं, जो गांव से वहाँ से पानी इकट्ठा होकर आता है वो सारा यहाँ पे भर जाता है, इसमें पैदल भी नहीं जा पाते हम लोग। तो औद्योगिक क्षेत्र को भी इसमें मुख्य मुद्दा मानते हैं कि कंपनियों का जो पानी आता है वो भी मुख्य वजह है इसमें आने की? ये कंपनियों का ही पानी है, बारिश का तो इसमें से कोई 20% पानी होगा और 80% इसमें सब कंपनी का पानी होगा, केमिकल वगैरह और सीवर वगैरह लैटरिन वगैरह के सब खुले रहते हैं, बदबू मारते हैं इनमें। तो पानी को लेके जल भराव को लेके क्या रास्ता रास्ते का निर्माण कभी नहीं हुआ या किसी ने कोई उच्च अधिकारी या नेता किसी ने पॉलिटिशियन ने आके यहाँ पे इसका दौरा नहीं किया क्या इस क्षेत्र का? पानी का निकास होगा तभी इसका रोड का हो पाएगा। तो निकास की क्या दिक्कतें हैं? क्या दिक्कत ये है कि आगे सारा जो भी औद्योगिक क्षेत्र का पानी यहीं पे रुक जाता है, आगे जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है इनके पास। तो और कोई भी रास्ता है क्षेत्र में आने जाने का या सिर्फ यही मेन मुख्य रास्ता है? यही एक रास्ता है। हाँ माँ बताइए। बताए ना भाई, मार ले तो यही है रास्तों और यहाँ गोबर गेरा और यहाँ थे प्यो और अब वो सारो मार तो पानी भरी गुमे, अब रोटी क्या पवा हम तो रोटी थे पवन कते बहुत दुखी है भाई, है ना हमने गैस आऊ चलाऊना अरे भाई गैस भी मार बस की कोई ने भरवाऊना है, बाढ़ कान कोई मारा नहीं लो ना मिल रो, बाहर की जनता कमा रही मारा धक्का दे रहा है और फिर ऐसा पानी भर दियो तो हम कित के जा लिकड़ कहाँ के जा बता, तू बता दे अब कित के जाऊँगा है, यो भाई लिया एक दिन और बता दे लिया के दिखा दे। माता जी इतना जल भराव है तो कैसे आती जाती है? जावा डूब डूब कहने क्या करा अब बता, सामान लाना होता है तो कैसे लाते? जावा का भूखा पिसा पड़ा अपना घर में भाई, अपना घर में सामान पड़ा अपना घर में, बालका कन मंगवा रोड पर किता किता डोल के आवे, वो नाला के ऊपर का इतने रास्ते हो का माँ का लिकड़ के आई हूँ मैं, उनका माँ का मन चक्कर भी आगो भाई हम पढ़ सके भाई मारा बच्चा कित के जाएगा। माता जी इधर तो पानी भरा हुआ है कैसे जाएंगी? हाँ भाई वही तो सोच रही हम कैसे जाऊंगे, पानी बहुत भरा पड़ी है, उनके से घूम के आया कोई रास्ता नहीं है सुखा, हम तो कमर तक भर जाता है तो कपड़े लगते हैं आपके खराब हो जाएंगे, सामान कैसे ले जाएंगे फिर ये सब जो लिए जा रही है, वही बच्चा भी जा रहा है साथ में? हाँ बच्चा भी तो जा रही है, हम क्या करूँ कोई करता नहीं है यहाँ, देख रहे हैं छोटे से बच्चे को माता जी अपने साथ लेके जा रही है, तो ये बच्चा जब अगर हमारे कमर तक पानी है तो ये बच्चा तो हमारे से कमर से भी थोड़ा छोटा है तो ये तो पूरा ही डूब जाएगा है, तो इस बच्चे को तो कैसे जाएंगी आप? भैया आप करवागी ना, सरकार में करेगी या मैं कोई थरी करेगा? तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति से कहा नहीं इसके लिए कि जो जल भरा होता है? हम तो सफाई वाली है, हम बहुत करे हम तो कर्मचारी है सफाई वाली है। कर्मचारी कहाँ है? नगर पाल में काम करती है। तो नगर पाल में काम करती हैं तो आपने कभी कहा नहीं कि हमारे वार्ड में भी इतनी गंदगी है? हम तो कहे पार्षद से भी कहे हमें है नंगलिया का पार्षद है, कहे तो करवाऊंगा। तो करवाया नहीं? नहीं करवाया, सुनाई नहीं दिया, सुनवाई नहीं कर रहा उसकी, सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ बात तो इतना आ रही है सारी, पार्षद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई कहे ना पार्षद कोई सुनवाई नहीं है, पार्षद खूब धक्के खाते डोल लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो पार्षद अगर नहीं कर रहे तो फिर क्षेत्र का तो जिम्मेदार नागरिक पार्षद ही हुआ फिर आपके हिसाब? पार्षद क्या करे बताओ, पार्षद के पास अगर आप समस्या लेके गए हैं तो उन्होंने क्या बताया इसको? पार्षद ने कई बार बोल भी दिया आगे, क्या बोला? एप्लीकेशन भी दे रखी है। तो एप्लीकेशन किसको दी है? ये अपने चेयरमैन नगर परिषद को भी दी हुई है, एमएलए को भी दिखाया, नगर परिषद शीशराम जी, तो उनको अगर एप्लीकेशन दी है तो क्या उस पर कार्रवाई करनी? कार्रवाई नहीं हुई ना कुछ भी अब तक, कोई कार्रवाई नहीं है, ये काफी टाइम से ऐसा है। तो एप्लीकेशन का फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा, अगर आश्वासन कोई आश्वासन नहीं, तो इसके अलावा किसी और को दिया? इसके अलावा एमएलए को भी दी हुई है, बताया हुआ है उनको, संदीप यादव तो उनको समस्या दिखाई या बुला के कभी मौके पे दिखाया है उनको? तो क्या बताया उन्होंने? वो देख के गए, वीडियो बनाई है और अपने नगर परिषद जेईएन जो मैडम है वो भी आई थी आज मौके पे और पहले भी कई बार बता चुके हैं, कोई समस्या का कोई आश्वासन दिया था क्या? बोलते बहुत होगा लेकिन
लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। इस सड़क पे इतनी गंदगी है, आप ये पानी सूख भी जाए ना उसके बाद भी आना आप, उसमें इतनी पन्नियां, इतनी लैटरिंग वैटरिंग सीवर वीवर सब खुले हुए हैं इस पे। भाई थोड़ा सा और बारिश होने तो वहाँ पहुँचेगा पानी गांव में। अच्छा थोड़ा बरसात हो जाए तो गांव भी भर जाएगा, गांव में भरेगा, तुम ठीक ना रहे हो। तो फिर अगर आने जाने के लिए इतनी रास्ता में दिक्कत है तो गांव में भर जाएगा, तब क्या करेंगे? डूब जाएंगे, मर जाएंगे और क्या होगी? बना ले जाओगे भाई, मर जाएंगे और क्या कर सका? ओ भाई डूब कर अपना घर में मर जाएंगे, कोई भी देखने ना आवे, जो मंत्री बन रहे सुसरो एक भी ना आओ देखने, आराम है ना? तो हम कहां जब नु कह दू हो जाएगा, हो जाएगा। और जे कोई आलियो खर मार तो बूढ़ो मेरे को जनन में ना बरसो है, और नहीं तो ऐसो बरस तो कहाँ मुर्दो कहाँ फूक जाते, उनको प्रोटीन नहीं है। और लेट सुबह की 6 बजे कटी उड़ी है, अब तक कोई लेट ना हो, रात ने काट दी मनमाओ। जब तो माता जी क्या बता रही थी? ये बता रही थी कि कल हमारा जेठ गुजर गया, हम दाग कित लगाता जे बरसात बरस जाते तो इतना दिन होगा मंजूर हो, ये क्यों नहीं कर रहे काम, की बात है ये वो पूछना चाहिए। किसी से शिकायत नहीं करी? शिकायत कर दी पार्षद तक, कर दी पार्षद, कह रहे हो मैंने कई बार लिख के दे दी, होगा महीना, 2 महीना 3 महीना, हमने 12 महीना होगा बाढ़ देखते कुछ नहीं। तो पानी भी मुख्य वजह है, जो है गंदगी भी तो काफी जो है भरी है। गंदगी तो बस मर्द भी टोड़ा ही डूबिया खड़िया, क्या तो रोटी बना लिया, क्या तो बांट रहा है। मोदी फ्री में दे देगो गैस, जो कि भाई 1100 को मिल रहा है, 2 बांट रन देंगे बस अल्ले। और हमारे बेटा 10,000 का डूबिया खड़ा से, बताओ क्या करें, बता क्या करा? ये मकान डूबिया पड़ा पानी के बीच से, एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेके जा रही है, तो देख सकते हैं आप हमारे कैमरे की दृष्टि से कि वो अभी इस जल भराव में आधी दूरी पहुंची है, उसके घुटनों तक पानी भर चुका है। सुन ले बात जी, अब यहाँ जो कोई घटना हो जाए ऊपर तुम्हें पड़ जाए तो वो को मुर्दा क्या बने? वही तो बात कह रहे हो बेचारे, बने कुछ है ना, कुछ भी नहीं बने ना। और फिर कहीं कने में कह ले, या तो यो है कुछ कर दो ना भाई, मैं तो आगे जाऊंगी, अब बता दी से जो सुसरो कोई अलवर में जयपुर में कोई तो मिलेगा हमने है। अब बता हम किए कर किए तो क्या पत बना खा लिया, मार तो यो यो ही नन यो ही मार भाव आई दियो पानी कम करनो खानो बड़ा के जावा कहां पर क्या चीज, अरे कित जावा काम शेर अपने कित जावा, तुम्हारा तो काम बिना और कुछ भी के में बिना और भाई आई आए बैठा दा बड़ा बालक मोटरसाइकिल पे सो फेर गा में डोल के किम ले दी राशन पानी तो खा लिया ना, हम तो यहां ही गुटिया बैठा। तो राशन पानी नहीं रहा, अगर वो बरसात हो जाए इतना ही जल भरा हो जाए तो फिर राशन पानी कहाँ से लाएंगे? कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर बैठा रहूंगा अपने, पानी में डूबांगा है, बैठनू है ना भूखो, और मुझ मिलाओ तो लाठी चाल ले है, और फिर हम उलड़गी तो मैं तो उठू भी ना थरते, तो फिर है बता फिर क्या करांगा? अब तो ना दिख रहे हो पानी, और इनने पुकार पुकार के तू कह रहो मैं कह रही हूँ, और फिर नहीं माने ना तो भाई हम तो अब थोड़ा दिन बाट देखा सा, फिर हम भी आगे जाएंगे, बता दी इस बात, या तुम्हारा कुछ सावधान हो जा, नहीं हुए तो फिर भाई हम भी जैसी मारते पड़ेंगे आगे जाएंगे कहीं कन है। मुर्दा का लही ऊपर टीन नहीं है जो इनके नीचे फूक जाए, ऊपर तुम ये कूद पड़े नीचे मुर्दो पड़े हुए, फिर वो कैसे लाग गई आँच लाग जाएगी उनको है, तो फिर इन्नू क्यों ना देखें, बता दी भाई हमने तो अब देख लियो हाल लेते हमारी आ रहा हो तो बता दी। हमारे साथ इस समय पार्षद मिथिलेश देवी के पार्षद पति महेंद्र सिंह जी हैं, तो इनसे पूछते हैं सर क्या क्यों आखिर ये काम नहीं हो रहा है, क्यों समस्या ये जल भराव की बनी हुई है? देखो ये नगर परिषद का तो काम है नहीं, ये बिड्डा का काम है, और मैंने उनको कई बार एप्लीकेशन भी लिख के दे दिए, उनको वीडियो वगैरह भी दिखाई हुई है मोबाइल से अपने फ़ोटो वगैरह खींच करके, तो वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, गौर ही नहीं कर रहे हैं, अब इसमें आम जनता को परेशानी हो रही है। तो पार्षद तो क्षेत्र का मुख्य नेता होता है जो लोगों की समस्याओं का निवारण करता है, तो अगर आप ही नहीं इस चीज़ का बीड़ा उठाएंगे तो फिर बीड़ा इसमें क्या करेगा? बीड़ा तो मैं 1.5 साल से उठा रखा है, लेकिन अब वही है ना, इस चीज़ के तो अधिकारी सुनवाई करेंगे ना, मेरा तो फर्ज है जो उनको जाके अवगत कराना उस चीज़ से। इसके लिए कोई लिखित सूचना या ऊपर अधिकारियों को नहीं दी है ना? किसको दी है? सीओ साहब को देख के आया हूँ मैं पिछले साल भी, और नगर परिषद में दी, पर नगर परिषद को भी मैंने कई बार फोटो भेजा है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर। किसको नगर परिषद में किसको भेजा? व्हाट्सएप ग्रुप पर जो फोटो वगैरह डालते हैं ना अपने वीडियो बना, पार्षद ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला अपने नगर परिषद का, उस पर तो किसी उच्च अधिकारी को नगर परिषद के उच्च अधिकारी को नहीं दिया? अधिकारी वगैरह सब पार्षद सब चेयरमैन वगैरह सब जुड़े हुए हैं उसी ग्रुप से, तो इसका संज्ञान नहीं लिया क्या? उस चीज का कोई वही नहीं है उन्होंने।
अनदेखा कर देते हैं। कैसे होगा? यहाँ के तो सभी लोग बता रहे थे कि आपको एप्लीकेशन सूचना है सब तक दी गई, आगे तक दी हुई है ना, मेरे पास सारी चीज भी है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या करा जाए बताओ। तो इसके लिए आप क्या फिर रणनीति कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ऐसे ही समस्या, आप घर पे आए थे तो उनको दिखाया, मैं सारा मौका मुआयना कराया, तब उन्होंने सीओ साहब के पास भी फोन किया है, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि भाई हम जल्द से जल्द इस काम को करने की कोशिश पूरा करेंगे। हम लोग इस समय वार्ड 28 के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, जिस रास्ते से आए थे जलभराव वाले रास्ते को तो छोड़ा है बीजेपी, और यहाँ आने के बाद में जो दो शब्द मैं बहुत देर से बोल रहा था, विकास का वी हटा के काश और अंदर का रास्ता, यहाँ आने के बाद में मैं काश शब्द भूल गया और वी को जोड़ के विकास को मैंने याद कर लिया। तो अंदर तो विकास बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर जाते ही वी गायब हो जाता है और काश रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बाहर काश है वो विकास में बदल जाए, और जैसे हम लोग इस समय आराम से इस इलाके के अंदर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़िया से सूखे सूखे अच्छी रोड बनी हुई है, अच्छा रास्ता बना हुआ है, अच्छी RCC है, बढ़िया रास्ते हैं, कोई जल भराव नहीं है, पानी निकासी की अच्छी समस्या है, तो ये सुविधा बाहर भी मिल जाए तो हम लोग आराम से आ जा सकेंगे, अच्छे से आ जा सकेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए सब कुछ अच्छा खासा है, अच्छा अच्छा है, सब बढ़िया है, तो हम उस काश को बदल वहाँ पे हटा के विकास में बदलना चाहते हैं, और यहाँ के जो नागरिक है वार्ड 28 के, वो सब भी इसके लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।